हेलो फ्रेंड्स, SRM क्रिएटिव्स में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको अगर कुछ पेनल्टी लगाए तो उसके चालान आपको कैसे एंट्री करनी है। तो लेकिन उससे पहले आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब बटन के साइड में आपको एक बेल ऑप्शन दिख जाएगा, उसको भी क्लिक करना है ताकि मैं आगे जाकर जितने भी वीडियोज़ अपलोड करने वाला हूँ उसके नोटिफिकेशन प्रॉपरली टाइम टू टाइम मिल सके। और एक ज़रूरी बात, ये वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि आपको जो पेनल्टी लगी है उसके बारे में मैं और भी कुछ बताने वाला हूँ, किस तरह से भरना है अच्छे से देखना है। आप स्किप ना करें इस वीडियो को, प्रॉपरली देखें ताकि आप कोई गलती ना हो आपसे। तो ठीक है, आइए शुरू करते हैं। आपको अगर कुछ पेनल्टी लगा है आपको एम्प्लॉयर को, तो उसकी चालान हम लोग कैसे एंट्री करेंगे। पहले तो आप अपने पोर्टल पर एम्प्लॉयर पोर्टल पर लॉगिन कर लें। देन लॉगिन करने के बाद में आपको जाना है पेमेंट्स पर। देन पेमेंट के अंदर में आपको ECR और रिटर्न फाइलिंग पर जाना है। आप जैसे ही आएंगे वहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा डायरेक्ट चालान का, उसके साइड में आपको दिखेगा चालान एंट्री, इस पर आपको क्लिक करना है। आप जैसे क्लिक करेंगे ये आपको फॉर वेजेस मंथ पूछेगा। ठीक है, एक तो आपकी जो पीरियड होगी एक वन मंथ का नहीं होगा, टू थ्री मंथ, फोर मंथ ऐसे भी हो सकता है, या तो फिर सिंगल मंथ भी हो सकता है। तो EPFO से आपके पास में जो लेटर आया है उसको अच्छे से ध्यान से देख लें, आपका पीरियड क्या है। ठीक है, या तो वहाँ से कुछ मंथ से कुछ मंथ होगा, या तो फिर सिंगल मंथ का होगा। अगर सिंगल मंथ का है तो कोई इशू नहीं है, आप वो सिंगल मंथ डाल सकते हैं। अगर कुछ पीरियड वगैरह है तो सपोज मान लीजिए कि आपको अगर पेनल्टी डैमेजेस आया फेब्रुआरी 2016 टू अक्टूबर 2016, देन आपको क्या डालना है, अक्टूबर 2016 आपको फॉर वेजेस मंथ में एंट्री करना है। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम लोग। पहले हम लोग मैं सितंबर 2016 तक का मेरा जो भी पेनल्टी डैमेजेस था वो मैं यहाँ पे चूज़ कर रहा हूँ सितंबर 2016, क्योंकि उस पीरियड तक मेरा है। देन आपको यहाँ पे सिलेक्ट चालान टाइप करना है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव और इंस्पेक्शन चार्जेस चालान, ये तो अभी ज़रूरत नहीं है इसके लिए। तो मिसलेनियस चालान पर हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे हम मिसलेनियस चालान पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको कुछ पार्टिकुलर्स अकाउंट नंबर वगैरह यहाँ पर दिख जाएंगे। यहाँ पे आप वन नंबर पे देख सकते हैं पेनल डैमेजेस, दूसरा में देख सकते हैं मिसलेनियस चार्जेस। तो आपके लेटर में देख लीजिए ध्यान से, वहाँ पे ये सारा डिटेल्स होगा। एक तो पेनल डैमेजेस होगा, दूसरा आपके पास में इंटरेस्ट होगा। तो जो पेनल डैमेजेस है वो उनको आपको इसमें प्लेस करना है, और जो इंटरेस्ट वगैरह है वो आपको अकाउंट वाइज सारे में हेड में करना है। तो हम लोग ठीक है फिल कर लेते हैं। तो ये मेरा अकाउंट नंबर वन में है 159373 का पेनल डैमेजेस चार्जेस है, और उसका इंटरेस्ट है। ठीक है, तो ये मेरा हो गया अकाउंट नंबर वन का पेनल डैमेजेस चार्जेस एंड इंटरेस्ट, जो कि मिसलेनियस चार्जेस पे मैंने इसको फिल किया। तो उसी तरह से सबको फिल कर लेते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अकाउंट नंबर वन है पहले, देन अकाउंट नंबर टू है, अकाउंट नंबर टेन है, 21 है, 22 है। लेकिन आपके पास जो लेटर आया होगा इस से मतलब इस टाइप से नहीं होगा, वहाँ पे वैसे भी ऊपर नीचे भी हो सकता है। अकाउंट नंबर वन के बाद में अकाउंट नंबर टेन हो सकता है, अकाउंट नंबर टेन के बाद में टू हो सकता है, देन उसके बाद 21 हो सकता है। तो इसके लिए आपको ध्यान से वहाँ पर देखना है कि कौन सा अकाउंट नंबर है, तो उसी हिसाब से आपको प्लेस करना है, और ध्यान से करें ताकि आपको कोई गलती ना हो जाए। तो मैंने ये सारा फिल कर लिया, और फिल करने के बाद में आपको टोटल जो है यहाँ पे आपको चेक कर लेना है आपका सही है, मैच हो रहा है कि नहीं। अगर मैच हो गया है तो कंप्लीट हो गया, देन आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे एक पूछ रहा है कि फाइनल अमाउंट ये है 408588, देन आपको ओके पे प्रेस करना है। आप अगर चेक कर ले सही है तो आपका जो लेटर आया है EPFO से और आपका जो चालान एंट्री का अमाउंट है दोनों अगर सेम है तो आप ओके कर सकते हैं। हाँ, ओके करने के बाद में ये आ गया आपका चैनल लिस्ट, जैसे कि यहाँ पे फाइनलाइज का ऑप्शन आया, आपको यहाँ पे फाइनलाइज करना है, देन आपको ओके प्लेस करना है। जैसे ओके प्लेस करेंगे आपके पास यहाँ पे का ऑप्शन आ जाएगा एंड कैंसिल का ऑप्शन आ जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग पेमेंट कर लेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, और चाहते हैं कि दूसरे एम्प्लॉयर को आप मदद करें तो आप ज़रूर से इसको शेयर करें, और
मेन बात जो कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि मैं आगे जाके ऐसे भी वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड्स थैंक यू।